नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका सच का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। बिहार में लीची ने छीनी 69 की जाने। आपको बता दें कि बिहार में एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी दिमागी बुखार की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 69 हो गया है। इस बीमारी का सर्वाधिक असर मुजफ्फरपुर जिले में हो रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस बुखार की वजह से मरने वालों की संख्या 69 हो गई है। वहीं इस बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी का प्रकोप उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और वैशाली जिले में सबसे ज्यादा है। अस्पताल पहुंचने वाले पीड़ित बच्चे इन्हीं जिलों से हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित जिलों के सभी डॉक्टर्स तथा जिला प्रशासन ने पीड़ितों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस को उत्तरी बिहार में चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। इससे पीड़ित बच्चों को तेज बुखार आता है और शरीर में ऐंठन होती है। इसके बाद बच्चे बेहोश हो जाते हैं। मरीज को उल्टी आने और चिड़चिड़ेपन की शिकायत भी रहती है। रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि लीची में पाए जाने वाले एक विषैले तत्व की वजह से ये मौतें हो रही हैं। मुजफ्फरपुर की पहचान ही लीची है और इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर भी यहीं दिखाई दे रहा है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस दिमागी बुखार के पीछे लीची भी एक बड़ा कारण है और जैसे ही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, इस बीमारी का असर भी घटने लगेगा। 2014 में एक शोध हुआ था जिसे 2017 में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया था। उसमें भी ये दावा किया था कि दिमागी बुखार की बड़ी वजह से लीची भी शामिल है। एक्चुअली जितने बच्चे हैं वो मॉर्निंग में प्रेजेंट करते हैं, मॉर्निंग आवर में, मतलब लेट नाइट कह सकते, 3 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक, वो एक्चुअली सुबह में ही कंप्लेंट मिलता है। हर एक पेरेंट्स यही कहें कि मेरा बच्चा तो कल ठीक ही था, सुबह में एकाएक उसको कन्वल्सन या बेहोशी, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जो मिलते हैं। या तो कोई कन्वल्सन के बाद बेहोश हो जाता है या कुछ बेहोश अपने आप बेहोश भी हो जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इंसेफेलाइटिस की वजह से दिमाग पर प्रभाव पड़ता है जिसे इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है और ये जानलेवा भी हो जाता है। अब तक की रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि इस बीमारी की वजह से मरने वाले बच्चे लगभग दिन भर लीची खाते थे। उनके माता पिता का कहना है कि जिले के लगभग सभी गाँवों में लीची के बागान हैं और बच्चे दिन में वहीं खेलते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश बच्चे तो दिन में लीची की वजह से खाना भी नहीं खाते हैं। जिन बच्चों की मौत इस बीमारी की वजह से हुई है वो अधिकांशतः रात का खाना भी नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ रहा था। बच्चों के यूरिन सैंपल की जांच से पता चला कि 2/3 बीमार बच्चों के शरीर में वही विषैला तत्व था जो लीची के बीज में पाया जाता है। ये जहरीला तत्व कम पकी या कच्ची लीची में सबसे ज्यादा होता है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार मरीज कोमा में भी चला जाता है। गर्मी, कुपोषण और आर्द्रता की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है और अपना कुप्रभाव दिखाती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच कहूँ। धन्यवाद।